नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप कुमार फिर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई मेडिसिन लेकर। एक्चुअली क्लिनिक में बिजी होने के कारण मैं मेडिसिन अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि आप तक मेडिसिन रेगुलर पहुँचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम याद करने जा रहे हैं नेट्रम म्यूरेटिकम, नेट्रम म्यूट। ठीक है, इस मेडिसिन को याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये कहानी किसकी है। ये है नथुराम और मारिया की कहानी। नेट्रम फॉर नथुराम है ना, म्यूर फॉर मारिया, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये कौन थे? ये थे डॉक्टर हनीमन। जब अपने स्कूल में पढ़ा करते थे तो उनकी क्लास में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट थे। एक्चुअली नथुराम जो था वो मारिया को पसंद करता था, सीधी सी बात। ठीक, दूसरी चीज़ जो नथुराम था वो चाहता था कि वो पुलिस में जाए और SSP बने पुलिस का। ठीक है, जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करता था। ठीक है, फिजिकल पास करना था तो खाता था पीता था, लेकिन आज तक उसका खाया पिया उसके शरीर में नहीं लगा और उसका पढ़ा लिखा उसके दिमाग में नहीं घुसा आज तक। ठीक, तो बॉडी इमिशिएटेड इमिशिएशन इज वेल मार्क्ड इन नेक विद लूजिंग ऑफ फ्लैश वाइल लिविंग वेल हैविंग ब्लू रिंग अराउंड द आइज। मतलब इतनी पढ़ाई की उस बेचारे ने कि उसकी आंखों के चारों तरफ नीली नीली झाइयाँ हो गई, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं गया। वहीं अगर बात करें मारिया की, तो मारिया थी एक हॉट लड़की। ठीक है, हॉट लड़की, और जैसे ही वो उसके सामने आती थी बेचारा नर्वस हो जाता था। ठीक है, ग्लास पकड़ता तो उसके गाना बजना शुरू हो जाता था, तो जो मैंने देखा। ठीक है, और उसके ग्लास वगैरह सब जो था वो गिर जाया करता था, तो लोग जो उसके क्लास के दूसरे बच्चे वगैरह थे वो उसका मजाक उड़ाया करते थे, तू क्या बनेगा रे SSP। ठीक, तो उसे इससे बहुत गुस्सा आती थी इस चीज़ को लेके। बोला एक दिन मैं SSP बनूंगा और इन सबको इतनी पिटाई करूंगा, इतनी पिटाई करूंगा कि सुजा दूंगा इनको पिटाई कर करके। ठीक है, मतलब इनका पूरा जो ग्लैंड्स हैं सब सुजा दूंगा, मतलब स्क्रोफिलस डायथिसिस। इसमें क्या होता है, ग्लैंडुलर स्वेरिंग देखने को मिलती है शरीर में। ठीक, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, हॉट पेशेंट, टेम्परामेंट, नर्वस टाइप ऑफ पीपल हु आर वेरी मच ऑकवर्ड एंड हेस्टी एंड ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम हैंड्स। माइज में बात करें तो SSP तीनों, सोरासाइकोसिस सिफिलिस एंड डायथिसिस, दैट इज स्क्रोफिलस डायथिसिस। अब आ गए नथुराम और मारिया के एग्जाम्स। ठीक है, तो बेचारा सुबह से लेके शाम तक पढ़ाई करता रहता, पूरा पूरा दिन, सनराइज से लेके सनसेट तक पढ़ाई पढ़ाई। और 10 से 11 बजे होता था उनके स्कूल में लंच। ठीक है, लंच टाइम होता था। तो अब क्या हुआ, लंच टाइम था, बेचारा यूं सिर पे हाथ रख के बैठा हुआ है लेफ्ट वाला। ठीक है, क्योंकि राइट से तो वो पढ़ाई कर रहा था ना, तो लेफ्ट वाला हाथ रखे बैठा हुआ है। और फिर थोड़ी देर में देखता है कि मारिया उसके बगल में आके बैठ जाती। मारिया ने एक्चुअली उसे देख लिया था कि वो परेशान हो रहा है, तो उसने जैसे ही मारिया को देखा और हक्का बक्का हो गया, उसको तो पसीने पसीने हो गए पूरे, क्योंकि यू नो दैट दैट अट्रैक्शन। ठीक है, तो बेचारा बहुत ही परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया। फिर मारिया ने पूछा क्या हुआ, क्यों पता परेशान है इतना? करे यार ज्योग्राफी का पेपर है, कुछ भी आता जाता है नहीं, कल से पढ़ रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा हूँ, कुछ भी दिमाग में घुसा ही नहीं है। तो बोलती अरे यार तू चिंता क्यों कर, मैं हूं ना, मैं मेरा रोल नंबर तेरे बगल में है। ठीक है, और मैं करवाऊंगी तेरे को पास। तो यहां से हमने दो सिम्टम कवर कर लिए हैं। मोस्ट ऑफ दी सिम्टम्स आर वर्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, स्पेशली फ्रॉम 10 to 11 AM, बट आर रिलीव्ड बाई परस्पायरेशन, लेफ्ट साइडेड हेडेक। लेफ्ट हैंड साइड वाला सिर दबा रहा था ना लेफ्ट लेफ्ट हैंड से, स्पेशली ऑफ स्कूल गर्ल्स बॉयज विच इज रिलीव्ड बाई परस्पायरेशन। उसके पास बैठती, उसको पसीना आ गया, और उसके बाद उससे बात की, उसको अच्छा लग गया। चलिए, पेपर का दिन आया, पेपर वेपर बट गया, क्लास सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सब लोग बैठ गए। ठीक है, पेपर लिखना शुरू किया। अब जैसे ही पेपर शुरू किया, नथुराम फिर से सिर पे हाथ रख के फिर बैठ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड वाला ही, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर सिर दर्द होता था उसको, बैठ गया। अब वो मारिया पूछती है क्या हुआ, तो अरे यार मैप आ गया है, मैप मैंने याद ही नहीं किया, मैं हूँ ना। तो वो क्या करती है, जीभ दिखाती है उसको, जीभ दिखा देती है। तो पहले तो वो सोचता है कि फंगल इन्फेक्ट क्या हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया क्या? नहीं यार, ध्यान से देख पागल, मैप बना हुआ है इंडिया का। तो जैसे ही वो देखता है कि वो मैप बना हुआ है, उसकी हंसी छूट जाती। ठीक है, उसको ये चीज़ बहुत फनी लगती है, और उसको हंसी आने लगती है। इतनी हंसी आती है, हंसी आते 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 खांसी शुरू हो जाती है, और जैसे ही खांसी शुरू होती है, टीचर की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। टीचर को लगता है कि ये जो है, ये दोनों चीटिंग कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ठीक, तो अब टीचर उसकी तरफ चलता चलता आता, और जैसे ही टीचर उसकी तरफ चलना 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 शुरू करता है, उसके डर के मारे उसकी टॉयलेट जो होती है वो पेंट में निकल जाती है। ठीक है, साथ ही अब तो टीचर आ ही रहा है, अब उसने सोचा आज तो टीचर मुझे पकड़ लेगा। उसकी दिल की धड़कन धक 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 धक, पूरा जो धक धक हो रही है पूरे शरीर में महसूस हो रही है, पूरा शरीर धड़क रहा है उसका। अब वो क्या करता है यार, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो वो क्या करता है, यूँ सर को उंगली दिखाते हुए और बाथरूम की तरफ भाग जाता है।
ठीक है कि सर टॉयलेट आइए मैं जा रहा हूँ, है ना। और टीचर समझ जाता है कि क्या है चीटिंग करने, तो टीचर उसके पीछे पीछे, ठीक है, वो आगे आगे जा रहा है, टीचर उसके पीछे पीछे जा रहा है। अब वहाँ पे जाके बाथरूम में वो खड़ा है, ठीक है, बॉयज टॉयलेट तो देखिए आपने, खोल खड़ा हुआ है, अब टीचर उसे पीछे ही खड़ा है, ठीक है। अब टीचर बोले करो बेटा, करो करो टॉयलेट करो, सर नहीं आ रही, नहीं आ रही सर, आप जाओ, आपके सामने नहीं आएगी मुझे, नहीं आती किसी के सामने मुझे। बेटा मैं समझ, सब समझ में आ रहा है बेटा, मुझे सब समझ आ रहा है। तो उसके बाल पकड़ता है टीचर और उसको प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाल पकड़ता है उसके बाल हाथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बेटा, बोला अरे सर मेरे बालों में एक्जिमा हो गया है, प्लीज़ मेरे बालों को मत टच करो, ये सारे निकल जाएंगे प्लीज़। तो वो कैसे भी उसका हाथ पकड़ के खींच के उसको प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कई सारे सिम्टम्स कवर कर लिए हैं, देख लेते हैं। मैप्ड टंग विथ रेड इंसुलर पैचेस लाइक रिंग वॉर्म ऑन साइड्स, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन वेन लाफिंग, कफिंग एंड वॉकिंग, फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट, द हार्ट पल्सेशन शेक द होल बॉडी, कैन नॉट पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, हेयर फॉल आउट वेन टच्ड, एंड एक्जिमा स्पेशली इन एजेस ऑफ हेयर्स, ठीक है। अब टीचर उसके पकड़ के और उसको ले गया प्रिंसिपल ऑफिस में, लेकिन उसकी हंसी नहीं रुक रही है, ठीक, उसकी हंसी रुकी नहीं रही। अब वहाँ पर उसे पता है कि ये स्कूल से मुझे निकालने वाले हैं प्रिंसिपल, लेकिन वहाँ पर भी वो हंस रहा है, गलत जगह पर हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है आपके हिसाब से, है ना। तो वो चीज़ है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा हंसूँ कि रोऊँ, वो चीज़ उसको ध्यान आती टंग वाली, तो वो हंसना शुरू कर देता, और प्रिंसिपल ऑफिस का याद आता तो वो रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमने माइंड का पहला सिम्टम कवर किया है, देयर इज़ अ हिस्टेरिकल कंडीशन ऑफ माइंड, वीपिंग अल्टरनेट विद लाफिंग इज अडजस्टेबल, लाफिंग एट अनसुटेबल टाइम्स, वीपिंग मूड विदाउट एनी कॉज, ठीक, इतना हो गया। अब क्या हुआ कि बेचारा स्कूल में से निकाल दिया गया उसको, ठीक, दुखी बात है ना। अब उसका तो मूड वहाँ से ख़राब होना शुरू हो गया, ठीक है। वो चाहता था SSP और कुछ भी नहीं बन पा रहा है, बन पाया बेचारा, ठीक है। तो धीमे धीमे करके क्या हुआ, रोना शुरू कर दिया उसने, उसका मूड बहुत ख़राब हो गया, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हुआ, वो मारिया आई उसको चुप कराने, ठीक है, अरे यार कोई बात नहीं, ये फलाना ढिमकाना, बोलने दूर रह प्लीज़, दूर रह बहन, बहन बोल दिया उसने, ठीक है, दूर रह बहन अब नहीं, ठीक है। मतलब लेकिन वो उसको मना रही थी, लेकिन उसका गुस्सा उसके ऊपर और बढ़ गया, कंसोलेशन एग्रावेट्स, ठीक है, उसको उसके ऊपर गुस्सा बढ़ गया, उसको उसका जाओ प्लीज़ जाओ यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। अब वो घर पर आ गया, यहाँ से दो सिम्टम हमने और कवर कर लिए हैं, वो देख लेते हैं। पहले द नेट्रम्यूर पेशेंट इज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड बाई एक्साइटमेंट, इज एक्सट्रीमली इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल था ना, थोड़ी थोड़े से में ही रोना शुरू कर देता था। द लैक्राइमल डिस्पोजिशन एंड हाइपोकॉन्ड्रियकल मूड आर टू स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस रेमेडी, ठीक है। कंसोलेशन एग्रावेट द स्टेट ऑफ माइंड, मनाने आई तो वो माना नहीं। आगे बात करते हैं, आगे हमने देखा कि अब वो घर पर पहुँच गया है, ठीक है, घर पर पहुँच गया, रात को सो रहा था। अब रात को वो क्या बनना चाहता था, SSP, यू नो, तो उसको सपने क्या आ रहे हैं कि मेरे घर में चोर आ गया है, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं उसको मार रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी आँख खुलती है तो वो रियलिटी से बाहर नहीं आ पाता, ठीक है। वो सोच रहा है सच में चोर आया, तो पूरे घर में छानबीन शुरू करना पुलिस वाला बन के, और पूरे घर में छानता रहता है। उसकी माँ आती है, बेटा क्या हुआ, बोले मम्मी चोर आया यहाँ पे, पकड़ना है मुझे। बोला नहीं बेटा कोई चोर नहीं है, मैं जाग रही हूँ, ठीक। तो पूरा घर जब तक छान नहीं लेता उसको चैन नहीं आता, ठीक। ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स एट नाइट एंड ऑन वॉकिंग सॉरी ऑन वेकिंग विल नॉट बिलीव टू द कॉन्ट्रेरी अनटिल एंड अनलेस अ थॉरो सर्च इज मेड ऑफ द हाउस, ठीक है। तो उसकी जो मेंटल कंडीशन थी काफ़ी धीमे धीमे करके वो बिगड़ती जा रही थी, बहुत इरीटेट होने लगा था, वो बहुत इरीटेट होने लगा था। तो उसकी माँ बेचार बुलाती है, मारिया को ही बुला लेती है, बेटा देखना यार इसको क्या हो रहा है, कैसा हो गया, ये पहले कैसा था अब कैसा हो गया है। तो उसकी माँ कहती है, आंटी क्या बताऊँ, ये ऐसा ऐसा हुआ इसके साथ स्कूल में, उसके बाद ये गलत संगतियों में पड़ गया, ठीक है, और गुस्सा गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत हो गया, इसकी वजह से ये सारी मतलब इसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ती जा रही है, मैं क्या बोलूँ। एलिमेंट फ्रॉम बैड अफेक्ट ऑफ एंगर, ग्रीप, वैक्सेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ सॉल्ट्स, ब्रेड, क्यूनिन, सेक्सुअल एक्सेस एंड लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, गलत संगतियों में पड़ गया था ये, इसकी वजह से चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है उसका। तो उसकी माँ कहती है, बेटा इसको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में ले जाए, ठीक है, वो क्या करें कुछ तो देंगे, ठीक है। तो वो ले जाती है, नेट्रम्यूर की डोज दी जाती है उसको, एंड ही विल बी क्योर्ड, ठीक। दोस्तों चलो, स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मेडिसिन रेगुलर उन तक पहुँचती रहें। चलिए मिलते हैं अगली मेडिसिन के साथ में, थैंक यू।